Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5B, question number 1. Question number 1 comprises of true false students. जो हमने concept या properties, हमने rules, हमने reading में सीखे हैं, वही rules इस पे apply होंगे. First statement I am going to read. Minus 12 plus 15 is equal to 12 minus 15. अगर आप इसको property के according देखें, कह रहे minus 12 और 15. माइनस 12 देखिए अगर नंबर को आगे पीछे किया हुआ है. अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को रिकॉल करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि दो नंबर्स की पोजीशंस को आगे पीछे करने से इंटीजर के आंसर में फर्क नहीं पड़ता. अगर आप उसी प्रॉपर्टी को माइंड में करके देखें तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या बन जाती है, ट्रू. और अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि कैसे ट्रू होगा, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. माइनस 12 15, 15 में से 12 माइनस होंगे तो माइनस, लेकिन आंसर आएगा प्लस में क्योंकि 15 के साथ प्लस है, तो आएगा पॉजिटिव का 3. और 15 में से जब फिर दोबारा 12 माइनस होंगे तो फिर आएगा पॉजिटिव का 3. इट्स मीन कि ये ट्रू है. सिक्स स्टेटमेंट यहां पर राइट किया आपके क्वेश्चन नंबर 1 में से. नेगेटिव ऑफ माइनस 5 डज नॉट एग्जिस्ट. स्टूडेंट माइनस 5 के लिए नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता. स्टूडेंट हर नंबर माइनस 5 का नेगेटिव प्लस 5 कहलाएगा और प्लस 5 का नेगेटिव माइनस 5 कहलाएगा. हर नंबर का नेगेटिव एग्जिस्ट करता है. इसके अकॉर्डिंग हमारा ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स. नाइन वाली स्टेटमेंट को देखें अगर आप, तो आप उसको देखें सॉल्व करके. 2 प्लस 3 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, सारी स्टेटमेंट 0 हो गई. जबकि इसके 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा. ये स्टेटमेंट भी हो गई आपकी फॉल्स. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सिंप्लीफाई करने को कहा है. 3 डिजिट यहाँ गिवन है और जो आपस में प्लस हो रहे हैं. माइनस 29 प्लस हो रहा है माइनस 11 में और फिर उसके अंदर प्लस हो रहा है प्लस 40. आपको जब स्टूडेंट ब्रैकेट के बाहर कोई साइन लगा होता है तो वो साइन जो है ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करता है. और अगर यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है और अंदर नेगेटिव का साइन है, जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस अपने आप को उस पर ओवरकम करता है और प्लस सर्वाइव हो जाता है. वो माइनस की वैल्यू रह जाती है माइनस 11, फिर प्लस 40. माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन आंसर आएगा माइनस में कॉमन साइन की वजह से. ये प्रॉपर्टी भी हमने इंटीजर्स में पढ़ी थी कि दो वैल्यू जब सेम साइन की होंगी वो होंगी ऐड, लेकिन कॉमन साइन जो है उसका डोमिनेट करेगा. माइनस आ जाएगा 40 में आंसर, प्लस 40. अब ये देखिए माइनस का 40 ये प्लस का 40, क्या आपस में कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0. अच्छा जी, अब इसका एक और 3 वाला पार्ट मैंने यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है. माइनस 107 माइनस माइनस 97 प्लस माइनस 10. अब ये देखिए माइनस 107 माइनस का साइन बाहर है और माइनस का साइन अंदर है. माइनस माइनस दो सेम जब साइन हो वापस में प्लस होते हैं. माइनस साइन मल्टीप्लाई होने की सूरत में अपनी आइडेंटिटी खो देता है, वो प्लस बन जाता है. प्लस 97 और प्लस माइनस माइनस 10, ठीक हो गया. माइनस प्लस माइनस माइनस होगा और साइन भी आएगा बड़े नंबर का. बड़ा नंबर है 107. आंसर वैल्यू आपस में ना सिर्फ माइनस होंगी बल्कि साइन आएगा बड़े डिजिट का 107 का. 97 में से आप अगर आप यहाँ रफ रख छोटा सा बना लें ताकि मिस्टेक ना हो. 107 में से जब आपने 97 को माइनस किया तो आपके पास क्या आया? 7 में से 70, 10 में से 91, माइनस 10 माइनस 10. अब ये दोनों वैल्यूज फिर सेम. स्टूडेंट देखिए मल्टीप्लीकेशन और प्लस और साइन जो है साथ साथ चल रही है. अगेन अब ये आपस में ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे साइन, ये आपस में सेम साइन है लेकिन माइनस के. जब दोनों सेम साइन हो आपस में क्या होते हैं? प्लस होते हैं. लेकिन जो साइन कॉमन होता है यानी कि माइनस कॉमन है, माइनस का आंसर आएगा माइनस 20. वैल्यूज आपस में प्लस होंगी लेकिन आंसर जो है माइनस में आएगा. स्टूडेंट अगर यही वैल्यू माइनस 10 फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताने के लिए बता रही हूँ, माइनस 10 और माइनस 10 यहाँ उसमें मल्टीप्लाई हो रही होती, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी खो देता, ये प्लस बन जाता और 10 टेन 100 बन जाता, ठीक है. ये आपने ना छोटी छोटी बातें कह रहे याद रखनी है ताकि आपके इसके अंदर जो है मिस्टेक ना हो. अच्छा जी, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड अवर क्वेश्चन अवर क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, the statement is the sum of two integer is minus 129. If one is 150, find the other. देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, जो स्टेटमेंट के अंदर हमें बातें गिवन है वो हमने लिख ली. सम ऑफ
two integers is equal to minus 129. One number is 150. जो दूसरा नंबर है वो हमें पता नहीं है. दूसरा नंबर हमें पता नहीं है. सपोज नंबर इज एक्स. अगर हम ये सपोज करें, यहाँ पे हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं. यहाँ पे अगर हम ये सपोज कर ले कि वो नंबर एक्स होगा, ठीक है, एक्स होगा या स्टार होगा या वाई होगा, कुछ भी हम समझ लें, तो क्या हमारी इक्वेशन इस तरह नहीं बन जाएगी? सो वी हैव कैन सम ऑफ टू इंटीजर्स, यानी कि एक्स के अंदर प्लस हो रहा है 150, तो आंसर आ रहा है माइनस 129. ऐसे ही ना, दो नंबर से प्लस हो रहे तो आंसर आ रहा है 129. स्टूडेंट्स ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपने एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, ये नंबर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 150 को इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे. स्टूडेंट एक नंबर जब इज इक्वल टू के इस तरफ प्लस हो रहा हो, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता है. इस तरफ माइनस हो रहा हो, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता है. इधर मल्टीप्लाई हो रहा हो, उधर जाके डिवाइड हो जाता है. इधर डिवाइड हो रहा हो, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है, ये देखिए यहाँ प्लस हो, यहाँ पे जाके माइनस हो. अब x है माइनस 129 माइनस 150, आंसर आएगा माइनस में, वैल्यूज होंगी प्लस. 129 और 150 को प्लस किया 279. इट्स मीन कि आपके पास दूसरा नंबर जो था वो क्या था, माइनस 279. अच्छे स्टूडेंट बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं. हमारी इक्वेशन है x प्लस 150. अगर हम इसको प्रूफ के लिए यहां लिखें, x की जगह हम लिखें माइनस 279 प्लस 150. माइनस 279 प्लस 150 आपस में वैल्यू होंगी माइनस, और बेशक ये प्लस है हो रही है, लेकिन क्योंकि ये माइनस का साइन है इसके साथ, तो ये आपस में क्या होंगी माइनस, और आंसर भी आएगा माइनस में. जब आप 279 में से 150 को माइनस करते हैं 921, आपके पास क्या आंसर आता है 129. इट्स मीन जो हमने सवाल किया वो हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया. स्टूडेंट थोड़ी सी ट्रिकी है, न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंटरेस्टिंग है. प्रैक्टिस से आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे.